Smoking of cigarette is injurious to health. धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है. किसके लिए ये डोर खुला है, ये अभी किसको पता है कि किसका फ्यूचर क्या लिखा है. Boys and girls,
The last dood wala. You can have seats. Thank you, Miss Dood wala. तो आज हम एक सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं. So boys and girls, no मस्ती today, okay? मस्ती पुराना हो गया, मार्केट में और भी तो प्रोडक्ट है. Right. AIDS. नाम तो सबने सुना होगा. क्या कोई मुझे एड्स का फुल फॉर्म बता सकता है? आई टेल मैम. यस मैम, एड्स मींस ए फॉर आपला, आई फॉर इस, डी फॉर दुनिया से, एस फॉर स्वर्गवासी. प्लीज सिट डाउन. लगता है तुम लोग नहीं सुधरोगे. एनीवन एल्स? ओ यस मैम, रोन विल टेल. Yes, Rohan. Ma'am, acquired immune deficiency syndrome. Perfect. Sit down. आज हम NECO, यानी National AIDS Control Organization की ओर से आयोजित लेक्चर में सेक्स और AIDS रिलेटेड बातें करेंगे. वैसे तो AIDS कई वजहों से फैलता है, जैसे HIV पीड़ित की सिरिंज के इस्तेमाल से, या दूषित खून चढ़ाने से भी फैलता है. और माफो हो, तो पेट में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है. और होमोसेक्सुअलिटी भी एक कारण है. ये क्या कर रहे हो? वो मैम, हाथ में दर्द था. वो अकड़ गया था. अरे मैम, वो मैं. गेट आउट फ्रॉम माई क्लास राइट नाउ. गेट आउट. कहने का मतलब ये है कि एड्स का सबसे बड़ा कारण सेक्स ही है. इसीलिए पराए मर्द और पराई औरत से सेक्स नहीं करना चाहिए. आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सीरियस टॉपिक है, इसे सीरियसली लो. कंट्रोल करना सीखो. वो क्या है ना मैम, कंट्रोल नहीं होता. सुबह सुबह टॉयलेट खाली न होने पे कैसे कंट्रोल होता है? और लोकल ट्रेन में आ जाए तो? क्यों बिंटू? लेक्चर के बीच में शुशु आने पे कैसे कंट्रोल होता है? और इंटेलेक्चुअल के बीच में पू आने से पिंटू कैसे कंट्रोल करता है? वेरी गुड एग्जांपल. इंसान ऐसे ही सेक्स को कंट्रोल करता है, बिकॉज सेक्स इज टोटली अ मेंटल फिनोमिनन. ये प्रूफ करने के लिए हम जल्द ही दूसरे कॉलेजों के साथ एक वर्कशॉप करेंगे. मैम, तो क्या वर्कशॉप में प्रैक्टिकल भी होगा? यार रोहन, कमाल कर दिता, मैडम का बैंड बजा दिया. हाँ यार, लेकिन साली ने क्लास से बाहर निकाल दिया. छड़ यार. अच्छा ही हुआ ना कैंटीन आ गए. साला कौन बोर होता उसके लेक्चर में? और मुझे भूख भी लग रही थी. अबे पेटू, तुझे कितनी भूख लगती है? सारे इंडिया का 10% खाना तू ही खा जाता है. अबे चुप करो मुफ्त खोरो. मामूली जान. अबे समोसे के सड़े मटर के दानों, तुम्हारी अम्माओं के साथ क्या मेरा टांका भिड़ा हुआ है जो मुफ्त में खाने चले आए हराम खोरो? अरे मामू, कहाँ जा रहे हो? अबे अभी चेक करता हूँ हिसाब, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना मामू, है. मामू, आपकी आइटम आ रही है. क्या कह रहे हैं अबे? किधर? उधर. चल बे, तेरा काम हो गया है? जा. मैंने कही तेरी फटी जी, क्या चल रहा है? अरे मामू, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरा नाम तेरी फटी नहीं, त्रिपाठी है. अरे वो तो पता है तेरी फटी जी, लेकिन ये बताओ कि पेश क्या करूं? ऐसा करिए, आप दो चाय बोल दीजिए. अरे 70 mm. ये मामू. अबे दो स्पेशल चाय स्पेशल टेबल के लिए. ये मामू ना,
मिसेस त्रिपाठी के चक्कर में पूरे कैंटीन की वाट लगा देगा। ए, दो स्पेशल चाय लेकर जा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे देखता कोई और है। वाह मामू, क्या बात है आपकी, क्या अदाएं हैं, क्या स्टाइल है कि कोई भी लड़की आपको देखते ही गिर जाए। क्या कह रही है? अरे पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। अच्छा? अरे मामू, आप तो इंडिया के ब्रैड पिट हो। ब्रैड पिट? अबे पिट जाएगा। मामू, आप तो इंडिया के माइकल जैक्सन हो। अबे भुक्के की तरह फुला रहे हैं। अरे मामू, अगर आप फिल्मों में होते तो करीना सैफ के साथ ना घूमती। अबे रोहन, मेरे लाल, मेरे हरे, खड़ा क्यों है? बैठ जा, आ जा, आ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा बेटा। चलो, अबे उठा अपने आप को। अच्छा बेटा, ये बता कि तू पिएगा क्या? कुछ नहीं मामू। चाय पी ले? नहीं मामू, एक कप पी ले। मामू सिर्फ चाय पिलाएगा। नाश्ता भी करा देता हूँ। अबे 70 mm, जरा बच्चे के लिए नाश्ता लेके आ यार। तो नाश्ता लेके जाओ उधर। और सुन, वो स्पेशल टेबल का भी ख्याल रखियो। अबे रोहन, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये चुपचाप क्यों बैठा है? मामू, आपके बारे में सोच रहा हूँ। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोच रहा है? अब देखो ना मामू, आप कितने रूपवान, कितने बलवान, कितने धनवान और साथ ही कितने अच्छे इंसान। अरे यार बस। फिर भी आसपास लड़की का नो नामो निशान। अरे यार मामू, अगर आपकी हालत है तो हमारा क्या होगा? मुझसे तो आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। अबे वो हमारे भोपाल में कहावत है ना कि जब तकदीरी गधे की दुम से बंधी हो तो इंसान क्या करेगा। मामू, अगर आप कहो तो किसी गधे से छुड़ा के किसी परी से बांधो। अबे क्या बात कर रहा है। अबे इधर आना, कोई चक्कर चला ना यार, तेरी तो बहुत जान पहचान है, तूने तो इस टॉपिक पे PhD कर रखी है। अबे देख रहे हो कितना दिलदार भांजा है। अरे अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचता है। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, एकदम ओसामा की तरह। हा? मेरा मतलब है ओबामा की तरह। मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अबे इसे क्या, इसके पूरे खानदान से वाकिफ हूँ। इसका बाप फरिश्ता है, फरिश्ता, और माँ होए 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 होए। मामू मजाल है, आज तक किसी ने उसकी सूरत देखी हो? उसके हाथ की बिरयानी से ही उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हो। और बहने आए हाय, गली में जब चलती हैं तो नजरें गाड़ के चलती हैं, एकदम गुड़िया सी हैं, सीधी एंड सादी। पहले बाकी का पैसे दे, फिर दूंगा। अरे मैं भाग रहा हूँ क्या किधर यार, तू पेस्ट्री देना यार। अबे टटपूंजिए, हराम का आता है क्या? तेरी अम्मा कमा के रख के गई थी यहाँ पर। ओ 70 mm जी, जरा भाई खाता खोल इसका। मामू चलो, हम चलेंगे, हम चलेंगे। अरे बेटे तुम टिका के बैठ, पहले मैं इससे निपट लेता हूँ। मामू तुम सारा भाई खाता लेकर मेरे पर बराबर चढ़ गए, और जिसके लिए ये इतनी तरफदारी कर रहे हो वो तुम्हारे बारे में क्या बोलता है तुमको नहीं जानने का है ना? क्या बोलता है ये? बोलता है मामू की मोटी नाक। मामू तेरी माँ का। मामू नहीं, क्या बोल रहे हैं? हरामी के पिल्ले, कीड़े पड़े हुए पालक, जले आलू की कालक, हैं? मवाली, गटर के कीड़े, हाँ? मैं कचरे में पैदा हुआ, कचरे में ही मरेगा, हाँ? समझे ना? अबे अच्छी तरह जानता हूँ, इसको क्या? इसके खानदान से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अरे बाप इसका, बाप इसका बेवड़ा था, साला। वो दारू भी चोरू के दम पे पीता था, और माँ साला हाथ लगा दो तो जिस्म सड़ जाए, और बहने बगैर मीटर के टैक्सी है, साली दो दो टके पे चलती है, दो दो टके पे। अबे खबरदार, जो दोबारा दिखाई दिया तो टांगे छाट के 1.5 feet की कर दूंगा, लोग अब पूरा जा कहेंगे। सब साले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सुअर की औलाद। और चाय नाश्ता करवाओ, खा लिए ना पिछवाड़े पे लात। अबे एक तो मेरी जल रही है, ऊपर से तेरी जबान चल रही है, उल्टे हाथ का दूंगा, 70 mm से 35 mm का हो जाएगा। चल मेरे कपड़े धो। धोता हूँ लुंगी और कच्छा छोड़कर। क्यों, कच्छा का तेरा बाप धोएगा? मुंह में साले के, मुंह में किस मुंह तोड़ साले की। हटो हटो, साला तू क्यों बुला रहे मोटी नाक? अगर ये साला चुप बैठता ना मामू बिरयानी तक खिलाता अपने को। हाँ यार। अबे चाप, टेंशन नहीं है, अपना रोहन है ना, ATM दूंगा भी एक अपना। ATM रोहन जिंदाबाद।
यहाँ का एटीएम भी खाली कर देखा है तू नत्था है ना? कौन नत्था? पीपली लाइव वाला, सारे हिंदुस्तान में तुझे देखा है टीवी पे आमिर खान के साथ। साहब हम राजपाल यादव है, हम नत्था नहीं है। तू दिमाग में खराब करा, तू राजपाल यादव नहीं, तू नत्था ही है। हाँ हम नत्था ही है। अबे तो रो क्यों रहा है? साहब हर कोई अपने फायदे के लिए हमें आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। अबे समझ में नहीं आता कि हम ये चेहरा लेके कहाँ जाएं। इसका सलूशन है मेरे पास। अपना एटीएम रोहन जिंदाबाद। अच्छा ये सब छोड़ एक बात बता, तू इतना टाइम पास करता है, तू आज तक कहीं भी किसी को भी लेकर के सीरियस हुआ है क्या? कोई सही लड़की आएगी सीरियस हो जाएंगे। खूबसूरत लड़की और तकलीफ में, लगता है मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। वैसे भी इस कॉलेज में मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलता। आई एम कमिंग बेबी।
मर्द को दर्द नहीं होता बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ। अबे हटो, अबे छोड़, अबे एडी छोड़, अबे छोड़, एडी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हटो, ये तेरी माँ है। लुक्का, अरे बैटर टूट गई। Are you okay? चोट तो नहीं लगी? No, no, I'm fine. I'm Rohan. I'm Faith. And he's my friend Vijay. Hey, and this is our group. Hi. Hi. Nice meeting you all. Where's the principal's office? Come with me. Yeah. Bye. पंजगनी बहुत हुआ अभी। अपन खंडाला चलते हैं। हाँ यार। वैसे भी स्पॉन्सर तो रोहन ही करने वाला है। चलो मैं स्पॉन्सर करता हूँ, मगर एक शर्त है। कोई भी बिना गर्लफ्रेंड के नहीं जाएगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे लिए। तेरे पास एक ही खड्डा है, उस पे भी किसी और खड्डा है। दोस्तों, अगर इस साइज की गर्लफ्रेंड होगी तो किसी और को जाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन रही हूँ, ये कम है क्या? तुझे तो मेरे एहसान के बोझ से दब जाना चाहिए। बिल्कुल, इतना भारी एहसान होगा तो दबना ही पड़ेगा ना। ओके ओके गाइज लिसन, मेरे डैड को प्रमोशन मिला है, इसलिए हम लोगों ने एक ग्रैंड पार्टी रखी है। शहर के सारे बड़े लोग आ रहे हैं और तुम लोगों को भी जरूर आना है। कितने बजे आना है? शाम को ठीक 7। अरे छोड़ो, गंदा है गैस है। कितना गंदा छोड़ता है तू gas.com? ये तो नाश्ते के छिद्दा के छोले भटूरे हैं यार। मुबारक हो सर। वेलकम गायकवाड़ साहब, वेलकम। थैंक्स, हाउ आर यू सर? ओह आई एम फाइन। अब तो आप डीसीपी सीआईडी क्राइम यूनिट के इंचार्ज बन गए हो सर, अब तो आप मलाई मलाई खाएंगे सर। भाई इस मलाई के लिए दूध को बहुत उबालना पड़ा है। हाँ। क्या बात है सर। वेलकम फेथ, मुझे यकीन नहीं था कि तुम आओगी। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने इनवाइट किया था। आई हैड टू कम। काळजी करो नका जी, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूंगा। चीयर्स। थैंक यू माधिक साहब। दादाजी, ये मेरे दोस्त, ये फेथ, ये रोहन। नमस्ते दादाजी। दादाजी नमस्ते। खुश रहो बेटा। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? सब लोगों के बीच चलिए। बेटे की खुशी में शामिल होने का पहला हक तो आपका है और आप यहाँ अकेले बैठे हैं। वेरा, थैंक यू, स्वीट्स फॉर यू। रुको, ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्यों दरे आप ही ने? हाँ, आपको ये सब डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया था ना, मना किया था ना? बुढ़ापा आपका आ गया, लेकिन आपका चटोरापन अभी तक नहीं गया। बेटा माय फुट, शट अप। सर इनकी कोई गलती नहीं है, इन्हें गुलाब जामुन मैंने दिए थे। सर आप इन्हें प्लीज मत डांटिए, पिता है ये आपके। कल अगर विजय भी आपके साथ ऐसा करे तो? सर माँ बाप जिंदगी से एक बार जाते हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आते, इसलिए प्लीज डोंट गिव मी एडवाइस। मुझे एडवाइस मत दो, आई विल नॉट टेक इट। एंजॉय द पार्टी। ओके विजय, घेऊन जायला प्लीज गो। फेथ, कैन आई प्लीज हैव योर गिटार? Thanks. जिंदगी कह रही है प्यार कर, दिल तेरा जो कहे यार कर। जिन...
जिंदगी कह रही है प्यार कर, दिल तेरा जो कहे यार कर, छेड़ नगमा वक्त के हर साज पर, ख्वाबों की आवाज पर, कदमों की परवाज पर, ख्वाबों की आवाज पर, कदमों की परवाज पर, बेखुद अंदाज पर, जिंदगी कह रही है प्यार कर। रंग बिरंग झिल मिलाते रास्ते, चल पड़ो के हैं तुम्हारे वास्ते, मुश्किलों से दिल जरा घबराए तो, कुछ बहकने का सलीका आए तो, हाथ मलती ही रहे तन्हाइयां, इस तरह रोशन करे परछाइयां, कोशिश ना हो बात भर, चाहत ना हो साथ भर, कोशिश ना हो बात भर, चाहत ना हो साथ भर, हलचल रहे रात भर। जमी लगती है कितनी मुख्तसर, जैसे मुट्ठी में सितारे आ गए, जैसे दामन में नजारे आ गए, घर अंधेरों ने शरारत की कहीं, जल पड़े हैं जुगनू से हम वहीं, मस्ती करें इस कदर गम हो जाए बेअसर, मस्ती करें इस कदर गम हो जाए बेअसर, रुक जाए शामो सहर। हाँ तो मेहरबानों, कदरदानों और मेरी शायरी के दीवानों, अर्ज किया है इशाद मामू इशाद, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। मामू क्या बात है मामू, मामू क्या बात है मामू, छा गए मामू। अरे नहीं, बस बस बस। अच्छा आपके 250 रुपए मामू। अरे बेटा रख ले, अरे रख ले बेटा। मम्मा रख लो मामू। अरे दाद दिए समझ ले, एडजस्ट हो गया। पक्का मामू। अरे 70 mm जी मामू। इसका हिसाब काट दियो, जा बेटा जा, जा बेटा जा, ओ यस, जा। अब ये बर्बाद होने वाला है, तो अब एक हाई लेवल का शेर सुनो। इशाद मामू इशाद, गौर फरमाइएगा, ये स्पेशली आपके लिए लिखा है, आपके लिए। मैं अगर कहूं तुमसा हंसी, कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी सच है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। मामू ये आपका है? तो क्या तेरे बाप का है? मुझे लगा जावेद साहब का है। अबे तुझे क्या मालूम मार्केट में कितने गाने मामू के चल रहे हैं? अबे शक्कर के नमकीन दाने, अगर शेर जावेद साहब का है, जावेद साहब मेरे हैं, तो शेर भी मेरा ही हुआ ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब एक और शेर सुनो। लेकिन मामू अब इस बार अपना शेर सुना ना। अबे तूने तो दुखती रख पे हाथ धर दिया, अब अपना बचाई क्या है, जो बचा था दूसरों को दे दिया। जरा हम भी तो सुने, आपने किसको क्या दिया है। ताजमहल साले को लिखा, एफिल टावर साली को, व्हाइट हाउस और इंडिया गेट पक्ष दिया घरवाली को। बाबा क्या बात है मामू। ये
ताज महल साले को लिखो, अर्बन टावर साले को, व्हाइट हाउस और इंडिया गेट बख्श दिया घरवाली को। ताज महल साले को लिखो, अर्बन टावर साले को, व्हाइट हाउस और इंडिया गेट बख्श दिया घरवाली को। मुझसे मिलने ओबामा रोज चला आता है, मुझसे मिलने ओबामा रोज चला आता है। हाय बोल में मैं क्या जाता है, 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 बोल में मैं क्या जाता है। पार्लियामेंट के सभी मिनिस्टर मेरे घर ही डिनर करते हैं, कपड़े मेरे दो दिन में धुल कर पेरिस से आते हैं। पार्लियामेंट के सभी मिनिस्टर मेरे घर ही डिनर करते हैं, कपड़े मेरे दो दिन में धुल कर पेरिस से आते हैं। मेरे घर चंदा लेने प्राइम मिनिस्टर आता है, मेरे घर चंदा लेने प्राइम मिनिस्टर आता है। हाय बोल में मैं क्या जाता है, 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 बोल में मैं क्या जाता है। तलिया और तालाब है क्या, नदियाँ बांटने निकले हैं, लम्हों की औकात नहीं सदियाँ बांटने निकले हैं। तलिया और तालाब है क्या, नदियाँ बांटने निकले हैं, लम्हों की औकात नहीं सदियाँ बांटने निकले हैं। मेरा बॉडी देख के सलमान भी शर्माता है, मेरा बॉडी देख के सलमान भी शर्माता है। हाय बोल में मैं क्या जाता है, 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 बोल में मैं क्या जाता है। ताज महल साले को लिखो, अर्बन टावर साले को, व्हाइट हाउस और इंडिया गेट बख्श दिया घरवाली को। मुझसे मिलने ओबामा रोज चला आता है, इनसे मिलने बैठे थे। अबे फेस्टिवल के चक्कर में मेरी दुकान साफ कर गए, गल्ला भी साफ कर गए, लूट ले गए। बोला था ना लूट जाएगा। उसकी माँ का मुझे बेवकूफ बनाता है, एक बार हत्या चढ़ गया तो उसके मुंह बुक मार देना। कहाँ जा रहा है तू? अरे कितना लाइब्रेरी देखा? क्यों? अरे मैं उन्हें दसा कॉलेज का वीकेंड है, एक अच्छी सी बुक दे दे। बुक दी और वीकेंड पूरा बुक पढ़ ली, 800 पेज पढ़ ली, अभी तक कैरेक्टर 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 दिख रहे हैं, स्टोरी का नाम ही नहीं आएगा। मुझे दिखाओ। अलग पढ़। अब एक घन चक्कर,
ये स्टोरी बुक तो ही टेलीफोन डायरेक्टरी है। फिर नॉट रीचेबल। ये साला बिजोई किधर मर गया है? बहुत बड़ा ठरकी है साला। लगा होगा कहीं बैंगब्रोस या नॉटी अमेरिका में। कल एक तो कॉलेज फेस्टिवल है और इसका कोई पता ही नहीं। हाय गाइस। हाय। कहाँ था यार? कब से वेट कर रहे हैं हम लोग? और फोन क्या अपने पिछवाड़े में डाल रखा था जो नॉट रीचेबल जा रहा था? कम से कम एक फोन तो कर लेता यार। अरे नहीं कर सकता था यार, मैं ऑर्डर डाइट। तूने घर पे चूहा पाल रखा है? ओ नो, नॉट चूहा, माय ग्रैंडपा यार। रिमेंबर प्रीवियस डेज पार्टी, ओल्ड मैन ऑन द व्हीलचेयर। वो अपने दादाजी को ओल्ड रैट बुलाता है? हाँ यार, पूरे घर में सबसे पुरानी चीज तो वही था। व्हीलचेयर पर बैठा बैठा गंदगी करता रहता था यार। अच्छा हुआ टपक गया। मेहमानों के सामने भी ना यार बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती थी हमारी। दादाजी, ये मेरे दोस्त, ये फेथ, ये रोहन। नमस्ते दादाजी। दादाजी नमस्ते। खुश रहो बेटा।
हैप्पी चॉकलेट्स डे। ओह थैंक यू एंड विश यू द सेम। माय प्लेजर। इधर उधर क्या रोहन एंड कंपनी की चॉकलेट का वेट कर रही हो? एटीएम से चुराए हुए पैसों की चॉकलेट खाओगी? चोर का माल खाओगी तो एक दिन पकड़ी जाओगी। हम वही हैं जिन्होंने आपको डांस कंपटीशन में हराया था। आई शपथ, विजय कभी किसी का उधार नहीं रखता। सूद समेत वापस करूंगा। रिलैक्स विजय, कल तक तो हम कंगाल थे, ये आज अचानक मालामाल कैसे हो गए? मिस सुब्रमण्यम, अपना स्पॉन्सर है ना जिंदाबाद, यानी कि रोहन मल्होत्रा। गाइस एवरीबॉडी चलो, मामू को चॉकलेट डे विश करके आते हैं। चलो 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 चलो। याद रखना सूद समेत, और ये फेथ को इंप्रेस करना बंद कर दे, वो तुझ जैसे चोर से कभी नहीं पटेगी। तुझ में दम है तू पटा ले। तू मुझे दोस्ती बुलाने पे मजबूर कर रहा है रोहन। मैं दुश्मनी से नहीं डरता, टीसीपी माणिक का बेटा हूं, जब चाहूं तेरी बैंड बजा सकता हूं। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अगर तेरा बाप कमिश्नर भी होता तो भी तू क्या उखाड़ लेता? हैप्पी चॉकलेट डे। मेरी शर्ट भी सेक्सी थे, पैंट भी सेक्सी है, चड्डी भी सेक्सी है। हैप्पी कलर स्कीम डे भाई। चिचोरी पिंगल मिंगल। ओ तू भी। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या पहन रखा है? अबे चड्डी है, दिख नहीं रहा। चड्डी तो है लेकिन ऊपर क्यों पहन रखी है? ओ कमाल है, और सुपरमैन पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तू हरदम इतना लाउड क्यों रहता है? हाँ निकाल इसे, हाँ निकाल निकाल। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ मेरी इतनी हिम्मत। तूने मेरी शर्ट को टी शर्ट कर दिया, तेरी तो। तूने मेरी शर्ट की टाई बना दी। तूने मेरी पैंट का अंडरवेयर बना दिया, तेरी तो मैं। तूने मुझे सुपरमैन से तू मैक्रोमैन बना दिया। भाग चुंदे भाग, भाग नहीं तो मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। भाग चुंदे भाग चुंदे। हाय रोहन। हाय फेथ। कैसा है? बस तू कैसा है यार? बस नाइस शर्ट यार। थैंक्स। नाइस कलर। अच्छा चल मैं निकलता हूँ, सी या।
अरे रोहन आई एम सो सॉरी यार, तू भी ना हमेशा गड्ढे के पास ही खड़ा रहता है। अरे पानी पानी दे यार, कोई पानी ला। बोला था ना तुझे पेटीएम के छोर विजय कभी किसी का उधार नहीं रखता। इतने से के लिए तूने इतनी मेहनत की। चल निकल। दोस्तों, इतने दिनों की मस्ती के बाद अब फेस्टिवल की कश्ती अपने साहिल के करीब है, यानी आज का दिन फेस्टिवल का आखिरी और सबसे खास दिन है। आज मिस्टर कॉलेज डे है और मिस्टर कॉलेज चुना जाएगा। लेकिन मिस्टर कॉलेज सेलेक्ट होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि उन्हें आज रात लैब में रखे हुए एक मुर्दे के गले में रुमाल बांध कर आना पड़ेगा। ओए ये कैसी शर्त, सुनने तो दे। तो कौन है इस महफिल में जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है? लेके जाओ, लेके जाओ। कहा था ना मुझे बुला लेना। सुनते हैं नहीं। ओ तुझे क्या हुआ? तुझे पता नहीं डर के आगे जीत है। अबे समझ, पंटू की तो उसके निकल गई। बोला था ना ये काम तो मैं ही करूंगा। टेक केयर विजय, अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सुरीला गा रहे हो, मुखड़ा खत्म हुआ, अब अंतरा भी सुनाओ, 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 सुनाओ। मिस्टर कॉलेज पोपट, क्या बात है, लगता है आज तो तू फेद को प्रपोज करके ही रहेगा। आज तो फट्टे पार्टी है दोस्तों। बी रेडी फॉर इट। आई लव यू। आई लव यू टू। मेरी मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग। कोने विच आ जा। Oh,
फन नो या मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलो फेथ। I'm in love with you. So am I. मेरे खुदा तो जहाँ के खुदा, मेरे खुदा तो जहाँ के खुदा, मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं सच के बगैर सादगी, मुमकिन नहीं रब के बगैर बंदगी। ये सब अगर हो भी जाए तो, ये सब अगर हो भी जाए तो तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं तेरे बिना, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं तेरे बिना, मुमकिन नहीं तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। मेरे खुदा तू जहां के खुदा, मेरे खुदा तो जहाँ के खुदा। तू पास हो तो जरा जरा हुस्न का पैकर हुआ, उस रात का हर एक लम्हा चांदनी का घर हुआ। तू दूर हो आँखों से तो, तू दूर हो आँखों से तो रूबरू हो चेहरा तेरा, किस्मत पे रश्क आने लगे। बस एक तबस्सुम से तेरे दिल में कई नगमे जगे। तुझको ना देखूं कहीं, तुझको ना देखूं कहीं, होठों पे हो मेरे हंसी। हाय मुमकिन नहीं नर नर, मुमकिन नहीं वो तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। मेरे खुदा तू जहाँ के खुदा, मेरे खुदा तू जहाँ के खुदा। कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा है, बात क्या है? बात यह है कि मैं मेरे साथ पढ़ने वाली लड़की फेथ को चाहता हूँ, लेकिन वो दो कौड़ी का छोकरा बीच में डी एलिमेंट बना हुआ है। दिल तो चाहता है कि तो इसमें इतना डिस्टर्ब होने की क्या बात है? मैं तेरे डैडी से बात करके तेरी शादी उससे करवा देती हूँ। अच्छा ये बता, ये लड़की किसकी है? मेहरा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संजीव मेहरा की बेटी है। काय चल रहा है हाँ? क्या खास बातचीत हो रही है माँ और बेटे में? हाँ? बात तो खास है ही, हमारे बेटे को इंडस्ट्रीज संजीव मेहरा की बेटी पसंद है। काय? दैट्स अ गुड न्यूज। तो इसमें क्या है, शादी करवा देते? भाई हमारे रिश्ते को कौन ठुकराएगा? बट गो कॉन्फिडेंटली।
इस शहर में ऐसा कौन है जो हमसे रिश्ता जोड़कर अपना कद ऊंचा नहीं करना चाहेगा? फौरन ही रिश्ता घेऊन जा आणि मंगनीची तारीख घेऊन ये। What a pleasant surprise. आज अचानक रास्ता कैसे भूल गए? लीजिए। अरे रहने तो बेटी, तुम तो बस मेरे सामने बैठी रहो ताकि मैं जी भर के तुम्हें देख लूं। दरअसल भाई साहब, मैं हमेशा फेद के हाथ की चाय पीना चाहती हूँ और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं फेद को हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊँ। You mean? जी हाँ, मैं फेद को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। दोनों एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। जी अगर फेद की मर्जी भी इसमें शामिल है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और पापा, मैं विजय को पसंद नहीं करती। तो क्या हुआ बेटी, विजय तो तुम्हें पसंद करता है ना, और धीरे धीरे तुम भी उसे पसंद करने लगोगी। आंटी, किसी को एक ही बार में पसंद किया जाता है, उसके साथ रहकर नहीं। और विजय, यहाँ आने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। क्या चाहती हो तुम? डीसीपी का बेटा हूँ, दौलत, शोहरत, इज्जत, ताकत, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए तुम्हें? किसी से प्यार या शादी करने के लिए ये सब होना जरूरी नहीं है विजय। हाँ, तुम्हारे लिए तो वो चोर रोहन जरूरी है ना। माइंड योर लैंग्वेज विजय। फेथ, मेहमानों के साथ ऐसे बातें करते हैं? सॉरी पापा, मेहमानों को भी मेहमानों की तरह पेश आना चाहिए। चुप रहो तुम। देखिए, फेथ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन विजय को भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मेहरा साहब, आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज है, लगता है आपने उसे तमीज नहीं सिखाई। मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बेहतर होगा आप सब यहाँ से चले जाएं। बस मेहरा साहब, चलो विजय। शहर में कोई भी हमारे रिश्ते को ना नहीं कह सकता। धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया है हमें भैया। उन लोगों की इतनी हिम्मत? अरे ये हिम्मत तो रोहन की दीवी है जो फेद के सर पे चढ़ के बोल रही है। अगर आपको कुछ करना है तो उस रोहन का कीजिए। रोहन? कौन रोहन? ये वही लड़का है जिसने पार्टी में दादाजी को लेके आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। प्लीज मत डांटिए, पिता है ये आपके। कल अगर विजय भी आपके साथ ऐसा करे तो? सर, माँ बाप जिंदगी से एक बार जाते हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आते। क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों? विजय ने रोहन और उसके दोस्तों को झूठे केस में अंदर करा दिया है। तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हारे पापा है ना, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पता करता हूँ। अरे मेरा साहब, कैसे आना हुआ? बैठिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ इंस्पेक्टर, और जिस काम के लिए आया हूँ वो शायद आपको पहले से पता होगा। हाँ, वो डीसीपी साहब का फोन आया था। मैं उनकी जमानत देना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए उन्हें। सॉरी मेरा साहब, सॉरी, मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाला हूँ, आप चाहें तो कोर्ट से इनकी जमानत ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा होता आप इन्हें यहीं छोड़ देते। मेरा साहब,
मेरी इन सबसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, इन सबके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, खास तौर पर रोहन के खिलाफ। देखिए, आप चाहें तो इन बाकी सबको ले जा सकते हैं बगैर किसी जमानत के, लेकिन माफ कीजिएगा, रोहन को छोड़ना मेरी पहुंच से बाहर है। अच्छी तरह जानता हूं आपकी पहुंच। चलो निकलो, चलो चलो जल्दी जल्दी। तुम नहीं? क्यों? चल पीछे। अरे मुंबई मेट्रो में आज सबसे बड़ी खबर स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन की। पहली बार इतनी बड़ी तादाद पर कई कॉलेजों के छात्र एक साथ सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल रोहन मल्होत्रा नाम के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे स्टूडेंट्स बेकसूर बता रहे हैं। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि रोहन नाम के इस छात्र का संगीन इल्जाम है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे अपने संवाददाता के पास, जो इस वक्त रोहन मल्होत्रा को गिरफ्तार करने वाले इंस्पेक्टर महात्रे के साथ मौजूद है। कभी गौर किया है आपने कि दिन दहाड़े चोरियां क्यों हो रही हैं और कौन कर रहा है? सरे आम बैंक्स लूट लिए जाते हैं, लेकिन आपका ये कैमरा उस तरफ कभी नहीं जाता। कीमती गाड़ियों के लोगो चोरी हो रहे हैं, कॉलेज में ड्रग्स बेची जा रही है, सरे आम बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं शहर में, कौन कर रहा है ये सब? मैडम, एक स्टूडेंट के पास 7-8 इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे ही कई और सबूत है हमारे पास रोहन के खिलाफ। वेल डन माय बॉय। एक स्टूडेंट जिसे आज क्लासरूम में होना चाहिए था, वो आज सलाखों के पीछे है। आपको क्या लगता है, क्या रोहन नाम का ये लड़का अपराधी है या पुलिस उसे फंसा रही है? आप अपने जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं 510231 पर। और आइए अब चलते हैं मुंबई की दूसरी खबरों में। इंस्पेक्टर फरमाइए। मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ। क्या बात है, सारा शहर एक मुलजिम की पैरवी के लिए परेशान हो रहा है, लगता है रोहन बड़ी ऊंची चीज है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, फिलहाल आप मुझे रोहन से मिलवा दीजिए। मैडम, वक्त चाहे कुछ भी बताए, आप रोहन से नहीं मिल सकती। मिस्टर महात्रे, क्यों एक छोटी सी बात के लिए आप अपने सीनियर्स को परेशानी में डाल रहे हैं? टेबल कुर्सी लेके आ। खोल इस मजनू को। उठना, उठ। जल्दी जल्दी। बस इकड़े। पाँव दबा। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरे को? दबा पांदो। कड़क हाथ है रे। तेरे को भी काय को पड़ा है रे? काय को लड़ता है माडिक साहब के लड़के से? मैंने रुकने को बोला नहीं ना?
एक ही लड़की है क्या कॉलेज में? फिर रुक गया। अड़ियल है, अड़ियल टट्टू। मैं एक मारूंगा ना, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। अरे टपाक। जब कभी मुझे तेरी याद आती है, दिल से मेरे बस यही आवाज आती है। तुम कहाँ हो अभी जाओ, तुम जहाँ हो जाएगा बेटा। मैं रोहन मल्होत्रा को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है। पुलिस उसे खामखा फंसा रही है। पुलिस प्रशासन मथुरे, अब आखिरी काम। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी हमेशा हमेशा के लिए, मेरा मतलब है इस केस से। अब क्या करना होगा सर? एनकाउंटर। पर सर, इस छोटे से केस में एनकाउंटर करके हम फंस नहीं जाएंगे सर? केस बहुत बड़ा हो चुका है मात्रे, मीडिया में छा गया है। अगर इस लड़के को हमने छोड़ा तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी बम बारूद AK-47 है, उसकी लाश के साथ साथ बरामद होना चाहिए। हमें यह साबित करना होगा कि उसके लिंक्स मशहूर टेररिस्ट राजू पाशा के साथ है, जो इस वक्त तुम्हारे लॉकअप में कैद है। और पाशा की कन्फेशन की वजह से तुमने इस लड़के को अरेस्ट किया है। इंक्वायरी के लिए हम इस लड़के को ले जा रहे थे, तब इनके आदमियों ने हम पर गोली चलाई, और बचाव के लिए हमें गोली चलानी पड़ी।
बट सर ये सब I want tomorrow's breaking news to boast about this encounter of a wanted terrorist shot by the police in self-defense. Pasha, aaj se tu azad. Chal, uth. Hey, kahan le ja rahe ho tum? Chal. हेलो अंकल। हाँ रोशनी बोलो। अरे कितने मिस कॉल थे तुम्हारे, सब ठीक तो है ना? रोहन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साहब ये मीडिया में रोहन केस के बारे में क्या न्यूज आ रही है? सर एसीपी महाड़ी खुद हैंडल कर रहे हैं इस केस को। इस लड़के के खिलाफ बहुत सबूत है डिपार्टमेंट के पास। अच्छा क्या क्या सबूत हैं? एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के पास 7-8 इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड मिलना उसे कसूरवार साबित करने के लिए काफी है। छानबीन में यह भी पता लगा है कि एक आतंकवादी संगठन इसके अकाउंट में अमेरिका से फंड ट्रांसफर करता है। इसके अलावा कुछ लूटपाट की घटनाएं भी हैं। अच्छा अच्छा वैसे एक बात बताइए कमिश्नर साहब, ये किस पेनल कोड में लिखा है कि बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना और 7-8 क्रेडिट कार्ड्स रखना गुनाह है? सर एक मिडिल क्लास स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर सकता है? लगता है काफी छानबीन की है आपके डिपार्टमेंट ने। चोरी डकैती वो आतंकवादी संगठन से रिश्ता काफी कुछ पता लगा लिया है। फिर आखिर ये पता क्यों नहीं लगाया कि वो लड़का आम स्टूडेंट जिसे आप कहते हैं वो है कौन? मैं कुछ समझा नहीं सर। कमिश्नर साहब क्रॉफर्ड मार्केट में बैठकर फाइलें खोलना और बंद करना खत्म करो। पता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जवाब मांगा गया है और जिसे आप आम स्टूडेंट कह रहे हैं वो कोई और नहीं इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूएसए मिस्टर राजीव मल्होत्रा का बेटा है। बेटा व्हाट? आप बताइए कमिश्नर साहब कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए उसके पास? फिर तो इस पूरे केस की छानबीन मुझे खुद करनी पड़ेगी। फौरन उस लड़के को रिहा कर दो वरना तुम्हारे डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। हरियाप वो तो गनीमत है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से फोन आया, पीएम ऑफिस से नहीं। मेरे सामने अभी फौरन एसपी महाड़िक को फोन लगाओ फौरन। नहीं उठा रहा है ना? देख लिया कमिश्नर साहब कितना लायक है आपका डिपार्टमेंट, ब्लडी फुल ऑफ करप्ट पीपल। मुझे वो लड़का सेफ चाहिए, सेफ। ये कहाँ उतार रहे हो मुझे, कहाँ ले आए? नकाब उतारो, हथकड़ी खोलो।
चल भाग जा। हथकड़ी खोल। तू भी भाग जा। मुझे किसी भी तरह रोहन जिंदा चाहिए। क्विक। तुझको पाऊं शाग दूं। ओहो
कसम से राह वफा में कसम से तुझ मिला है कसम से हर पल आया है कसम से राह वफा में कसम से तुझ मिला है कसम से अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। देख लिया अपनी जिद का नतीजा, समझाओ अपने लाडले को कुछ। रोहन तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हें हमारे साथ यूएस चलना है। लेकिन शट अप, सही कह रही है तुम्हारी माँ, अब तुम हमारे साथ चलोगे। ठीक है, पर मुझे फाइनल एग्जाम दे लेने दीजिए, उसी का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं खुद आ जाऊंगा। वैसे अंकल एक और वजह है रोहन के पास यहाँ रुकने की। कौन सी वजह? बहुत प्यारी वजह है और उसका नाम है फेथ। फेथ और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फेथ इंडस्ट्रियलिस्ट राजीव मेहरा की बेटी है, अच्छा घर है, अच्छे लोग हैं। अंकल मुझे लगता है आपको एक बार रोहन के लिए उनसे मिल लेना चाहिए, प्लीज। ठीक है, रात को डिनर पर बुलाओ ना। हट बाबा। हट, मर गया तेरा बाबा। आज इसकी वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ, तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से, तेरी वजह से मेरे सिर पे इंक्वायरी कमीशन की मीटिंग बैठी हुई है, तेरी वजह से। मैंने क्या किया? हाँ तूने सब कुछ किया। क्या तुझे नहीं पता कि रोहन कौन है? मुझे नहीं जानना, जानना पड़ेगा, जरूरी है। वो मल्होत्रा खानदान से बिलोंग करता है और उसका बाप जो है वो इंडियन एम्बेसडर ऑफ यूएसए है। सो व्हाट? सो व्हाट? आई डोंट केयर। यू डोंट केयर? यस आई डोंट केयर। क्या है गोटिया, मेरी नौकरी पर बात आई और बोलता आई डोंट केयर? सारी गलती मेरी नहीं है, आपको भी उसको गिरफ्तार करने से पहले पता कर लेना चाहिए था ना। आई गेट, मेरे को सिखाएगा? बस करा देगा, बस डायरेक्ट। सारी गलती तो बाजी है, मुझे नहीं पता था कि मैंने आज तक एक सांप को दूध पिलाया। स्वीट प्लीज। धन्यवाद मल्होत्रा साहब, आज तक तो सिर्फ आपका नाम ही सुना था, लेकिन आज आपके साथ डिनर करने का सौभाग्य भी मिल गया। ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी अंकल, पहले आप ये बताइए कि आपको फेथ कैसी लगी। पूछना क्या है जबकि हम। मिस्टर मेहरा, आपकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, इसकी हंसी, इसकी बातें, इसका अंदाज और स्टाइल बहुत ही लाजवाब है, लेकिन समझदार और चालाक भी है। वरना राजीव मल्होत्रा के बेटे का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। मल्होत्रा साहब, मैं कुछ समझा नहीं। नादान नासमझ पंछी की नजर दाने पर होती है, बिछाए हुए जाल पर नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? डैड ये आप डोंट इंटरफेयर, अंडरस्टैंड? बट अंकल मैं बात कर रहा हूं ना रोशनी। हाँ तो मिस्टर मेहरा, मेरा बेटा एक रेशमी जाल में फंस गया है। ये गलत है मल्होत्रा साहब, बिल्कुल गलत। हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने से पहले आपको एक बार यह तो सोचना चाहिए था कि हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक हैं हम। नाम के साथ इंडस्ट्रीज लग जाने से किसी की हैसियत नहीं बढ़ जाती है। एक तरफ मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज और दूसरी तरफ तुम्हारी एक मामूली सी कंपनी जो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को
विंड ग्लास सप्लाई करती है, एक तरफ एम्बेसडर और दूसरी तरफ वो जो अपने होने वाले दामाद को एक मामूली पुलिस लॉकअप से नहीं बचा सका, और आज वो हमारे साथ रिश्ता करके हमारी बराबरी करना चाहता है। बस मल्होत्रा साहब, बस। एक डिप्लोमेट डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह बात करता है यह कोई आपसे सीखे। लेकिन अगर यह सारी बात हमें आपने डिनर से पहले बता दी होती तो कम से कम आज हमें आपका नमक तो नहीं खाना पड़ता। चलो बेटा, चलिए। वाह, क्या स्टाइल है बाप और बेटे का। एक चोट देता है तो दूसरा मरहम लगाने चला आता है। लेकिन मिस्टर रोहन, अब कुछ नहीं होने वाला। क्या कोई कसर बाकी रह गई थी हमारी इज्जत उतारने में जब तुम यहां चले आए? I'm sorry, अंकल। तुम्हारे बाप ने इतनी बड़ी बेइज्जती की है हमारी कि यह सॉरी शब्द उसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, भोले भाले सीधे साधे दूध पीते हुए बच्चे हो तुम, जिसे हमारी तेज तर्रार बेटी ने बहुत आसानी से फांस लिया। जाओ रोहन, जाओ अपने ऊंचे महल में, अपने महान बाप के साए में जाओ। हम तुम्हारे लायक नहीं हैं। पापा, आप तो ऐसा मत कहिए। तुम अंदर जाओ। अंकल, मैं फेथ से प्यार कर। शट अप! तुम्हारे बाप की बातें सुनने के बाद अब प्यार बाकी कहाँ रहा है? पापा प्लीज। गेट आउट। सर। आई सेड गेट आउट। सर प्लीज। ना कभी इस घर में आना और ना ही फेथ से मिलना। सही कहा था तुम्हारे बाप ने, रिश्ता तो बराबरी वालों के बीच होता है ना? अब वो हमारे सामने आकर जमीन पर अपनी नाक भी रगड़ेंगे ना तो भी हम उन्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। पापा प्लीज। निकलो यहाँ से। लेकिन सर। आई सेड गेट आउट। आउट। पापा। फेथ। पापा प्लीज, वेट। पापा प्लीज डोंट डू दिस। पापा। क्या बदतमीजी है? ये आपका घमंड, ये आपका अहंकार, ये आपका रुतबा, ये आपकी दौलत, ये आपकी शोहरत, ये सब आपको मुबारक हो, क्योंकि मैं अब इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? घर जमाई बनने? आपको क्या लगता है डैड, इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं उनको मुंह दिखाने के लायक रह गया हूं? और वैसे भी जो इंसान अपने बाप की दौलत को लात मार दे वो किसी का क्या सहारा लेगा? ऐसा क्यों किया आपने डैड, ऐसा क्यों किया? मैंने और फेथ ने साथ साथ रहने का फैसला किया था, मगर आपने हमें जुदा कर दिया। रोहन, जिस लड़की की वजह से तुम पर इतनी मुसीबतें आईं, उस लड़की को हम अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकते। और अगर आज मैं ये किस्सा खत्म नहीं करता तो ना जाने कल कौन सी नई मुसीबत हम पर आन पड़ती। रोहन, तुम्हारे लिए इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि अगर तुम हमारे बेटे नहीं होते तो अब तक न्यूज़पेपर्स में तुम्हारे एनकाउंटर की खबर छप चुकी होती। नहीं रोहन, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी।
बाप बेटे की लड़ाई में मैं तुझे खोना नहीं चाहती। नहीं माँ, जाने दे मुझे। जिस जगह प्यार से ज्यादा पैसा और रुतबे की अहमियत हो, वहां रुक के क्या फायदा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। जाने दो इसे। दो दिन फुटपाथ पर भूखा सोएगा ना तो सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं तो प्यार में मदहोश हूं डैड, आप तो होश में होके भी बेहोश हैं। कहां जा रही हो? ये सब क्या है? अपने हिस्से की बची हुई जिंदगी जीने। जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो तुम। शुरुआत उन्होंने की और रही सही कसर आपने पूरी कर दी। क्या कह रही हो बेटा? ऐसा मत करो। इस वक्त आपसे ज्यादा रोहन को मेरी जरूरत है। अगर उसका साथ नहीं दिया तो वो टूट जाएगा। और हम टूट जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें। पापा, मैं आपसे और मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जैसे आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मैं और रोहन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फेथ। ढक्कन है यार, तुम लोग घर छोड़ दिया है और कुछ सोचा है? क्या करना है, क्या कमाना है और कितने रहना है और की खाओगे, बोल तू। अरे जो होना था वो हो गया और जो करना था वो कर दिया, अब आगे जो भी होगा देख लेंगे यार। एक सवाल, अगर किसी दोस्त को आजमाना हो तो क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, उसे छोटे लाल निकालना चाहिए। चलो भाई जल्दी छोटे लाल निकालो जल्दी। ये क्या, 10 का नोट क्यों छिपा रहे हो? अबे ये मेरे बस की टिकट के लिए है। अच्छा, बस के टिकट के लिए है या फिर सिगरेट के लिए है? कसम से मैं सिगरेट नहीं पीता। ओहो, तो क्या कॉन्डम खरीदेगा? अले रोहन, मेरे 10 रुपए मिला के पूरे 2000 रुपए हो गए। अले पढ़। ये मैं नहीं ले सकता यार। अब ज्यादा नाटक मत करो और ये पैसे रख लो। दोस्तों, रोहन बहुत जल्दी अपने नए घर में मैं कॉफी पिलाने वाला है। नए घर में? मैडम, हमारे पास कोई घर वर नहीं है। अबे कौन कह रहा है कि इसके पास घर नहीं है? क्यों बे, क्या यही सब तेरे दोस्त हैं? मामू कुछ भी नहीं है। ये ले चाबी मेरे घर की। बांद्रा विलेज में छोटा सा घर है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मेरे ख्याल से तुम दोनों फिट हो जाओगे। मामू, अबे थैंक यू किस बात का? तू बेटा है मेरा, अगर तेरे को डांटता हूं ना तो प्यार भी बहुत करता हूं। कितना सुंदर घर है। कल तक तो ये घर था, अब हमारे आने से आशियाना हो जाएगा। यकीन नहीं आता कि तुम मेरे इतने करीब हो, इतने करीब के बाहों में भरे बिना जी नहीं मानता। आज हमारे बीच कोई नहीं। एक चीज है। क्या? डोर। आप तो ओए 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 आ जाएगी। अच्छा मेरी बात तो सुन।
नहीं। अरे अच्छा अरे यार छोड़ो रोहन, छोड़ो ना रोहन प्लीज। क्यों? कौन सा मैंने चल रहा है? भूख के मारे मेरी जान निकल रही। ओ। पेट में चूहे बिल्लियों के दौड़ने की आवाज सुना रही हूँ और तुम? तो ऐसा कहो ना, अभी खाना मंगाता हूँ। जसीदा ढाबा। क्या मंगवाऊँ? जो तुमको हो पसंद। या ऑर्डर लिखिए प्लीज। चार मिसी रोटी विद बटर, दो तंदूरी चिकन, एक मटन बिरयानी और सीख कबाब, चार शिकमपुरी, एक जीरा राइस, एक दाल तड़का, आइसक्रीम और एक लस्सी भी। एक तंदूरी रोहन। शट अप। नहीं नहीं आपसे नहीं, आप एड्रेस लिखिए प्लीज। 26/8 गैलेक्सी चैपल रोड। जी जल्दी भेजिएगा। थैंक यू। पेट का इंतजाम तो हो गया, अब दिल का क्या करें? आज मुझे तुम्हारे प्यार की गहराई और मेरे इश्क की ऊंचाई दोनों देखनी। शादी के बाद जो चाहे मर्जी देखना, अभी नहीं। ये शादी कब होगी यार? गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह अरे दोपहर दोपहर हो रही है बेटा, घड़ी देख 11 बज रहे हैं। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ चाय तो मैं जरूर पीऊंगा, पर पहले तू ये रख। लो ये गधा तो घोड़े बेच के सो रहा है। क्या बताऊ मामू, रात भर जागती रही, न खुद सोई और न मुझे सोने दिया। अबे क्या कह रहे हो खां, अबे तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? बगल में लड़की तबीयत फड़की। अल्लाह का सब, मेरे को रात को ही डाउट हो रहा था, सोच रहा था तेरे पजामे में है ना 300-400 गाठे बांध दूं ताकि ताकि तू सुबह तक खोलता रहे, बच्ची तो बच जाए। अरे अबे देख बेचारी के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, अबे बच्ची खराब कर दी तूने। अरे नहीं नहीं मामू, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अबे कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ था? हुआ यूं कि रात को जैसे ही आंख लगी। रोहन। क्या हुआ फेत, क्या वो नींद नहीं आ रही क्या? नींद कहाँ से आएगी, ये मच्छर खून जो पी रहे हैं। ओके अभी इलाज करता हूँ। अब सो जाओ आराम से, ठीक है? रोहन। रोहन। क्या हुआ फेत, अब सो भी जाओ। वहाँ बिस्तर में कुछ है। क्या है? कटमल है शायद। अभी ये तो जाने वाले हैं नहीं, तुम एक काम करो, तुम यहाँ सोफे पे सो जाओ, मैं बेड पे सो जाता हूँ। रोहन। अब क्या हुआ मेरी जान? यहाँ कुछ चुभ रहा है। हाँ चुभने वाली चीज तो मेरे पास है, वहाँ क्या चुभ रहा है? क्या कहा? कुछ नहीं, सोफे का स्प्रिंग है शायद। मेरी मुन्नी सुबह होने वाली है, अब सो जा, कुछ नहीं हो सकता।
अबे अबे मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। धत तेरी, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अबे मैं तेरी जगह होता ना तो पहले दिन ही बिल्ली मार लेता। अच्छा ठीक है, पर सारे प्रॉब्लम इसी को क्यों? मामू जब फेथ मेरे साथ हो तो मुझे कुछ हो सकता है। शाबाश बेटा, ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा। सलूट करता हूं तेरे को। तू ठीक कह रहा है, प्रॉब्लम तेरे आगे ठहर ही नहीं सकती। अच्छा सुन, वो मैंने तेरी नौकरी की बात की है, तड़का पब का मालिक विनोद भाई है ना, वो मेरा बहुत जिगरी यार है, उसको एक सिंगर की जरूरत है। अगर तेरी आवाज उसे पसंद आ गई ना तो समझ ले लाइफ बन जाएगी तेरी। सादा है जीने की खातिर, यहाँ एक पल भी ज्यादा है। लिखना है अगर तू भी लिख ले इस पे अपना नाम, भर ले इसमें सारी अपनी सुबह हो शाम। चीले जी भर के, चीले जी भर के, चीले सदिया पल में चीले, चीले जी भर के, चीले जी भर के, चीले सदिया पल में चीले। पालिया जो जीले उसको, खो दिया जो भुला, जाने वाले पल का कोई गम न कर तू जरा। हौसलों से ले कभी बस थोड़ा सा तू काम, होगा होगा दर का तेरे वक्त भी गुलाम। जीले जी भर के, चीले जी भर के, चीले सदिया पल में चीले, चीले जी भर के, चीले जी भर के, चीले रुख जहां भी हो हवा का दिल वहीं पे जला। किसी तूफान से ना बुझा है दिल है ऐसा दिया। मंजिले पूछेंगी तेरा आके खुद ही नाम, गर्दिशे मिट जाएंगी जो दिल में हो कोहरा। आज तो छा गए मामू। क्या बात है मामू? ए 70 mm, जिसको जो खाना है खिला डाल, आज कोई हिसाब किताब नहीं होगा। आज मेरी बेटे की नौकरी लगी है, नौकरी। थैंक यू मामू। बेटा मैं तुझसे लड़ता हूं, झगड़ता हूं, डांटता हूं तेरे को, लेकिन प्यार भी बहुत करता हूं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं प्यार तुझसे करूं और झगड़ा किसी और से करूं। तू मेरी जान है, जान। बस क्या मामू, अब रुलाओगे भी?
छोड़ दे मेरे को, नहीं तो एक दूंगा कार के नीचे। त्रिपाठी जी ने आपसे कुछ कहा होगा। फॉलो मी। अरे उर्वी, वहां कहां जा रही हो? ये सर मेरा भतीजा है, इसे लैब देखने का बहुत शौक था इसलिए। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से देखना, किसी चीज को हाथ ना लगाए। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूं ना इसके साथ में। अच्छा प्यारे बच्चों और बच्चियों, भाई तुम्हारे रिजल्ट आने की खुशी में और कॉलेज छोड़ के जाने का गम में मामू जान एक शेर पेश कर रहा है। इरशाद मामू, इरशाद। अर्ज किया है, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, सारे साल खिलाया है तुमको पेमेंट आज तो होगी। आखिर पेमेंट की बात कर ही डाली मामू। वेरी बैड, वेरी बैड। मामू आपकी तारीफ में एक शेर सुनाऊं? सीख गया बच्चा, सुना बेटा सुना। वो मजा ना तख्त में ना ताज में, ओए हाय 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 हाय। वो मजा ना सुर में ना साज में, वाह वाह। वो मजा ना दुनिया पे राज में, वाह 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 वाह। जो मजा मामू की गोटियों की खाज में। अबे मामू पे जोक सुना रहा है, खैर तू। अबे छोड़ मुझे मामू। अबे दूंगा इसके मामू, बच्चा है मामू। अबे इतनी जोर से क्यों पकड़ रहा है, लग भी तो सकती है। मामू मुमानी के लिए एक और पेश करूं? अबे ठहर। दोस्तों जिंदगी का ये गोल्डन पीरियड कॉलेज से ही शुरू होता है और कॉलेज पर ही खत्म होता है। आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है जहां हमने शरारतें की, मस्ती की और धमाल किए। इस गोल्डन पीरियड को यादगार बनाने के लिए प्लीज वेलकम फरहान फ्रॉम द वेरी फेमस जलबैंड। कॉलेज की वो मीठी यादें, वो याद आएंगी वो गुजरी बातें। डिस्को में जाना, जाके वो गाना बजाना, हो चलाने में लेट हो जाना। मेन गेट पे ताला वो पढ़ना, वॉचमैन का हम पे बिगड़ना, पैसे दे के उसको पटाना। ना, 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 ना। कैसे भूलेंगे ये सब। से भूलेंगे नहीं वो पल साथ यहाँ जो बिताए, आओ उन्हीं यादों में फिर से आज हम मिलके खो जाए। यारों के संग सीसीडी जाना, शायद कोई लड़की पट जाए, बरिस्ता पे मिलने बुला जो थोड़ा सा भी शर्माए। कैंटीन में यारों से मिलके प्लानिंग वो थोड़ी सी करके, मामू को ही मामू बनाना, पापा से करके बहाना, यारों से पैसे जुटाना, गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाना। ना, 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 ना। कैसे भूलेंगे ये सब। ना, 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 ना।
जिसने देखे हैं जो भी सपने वो सपने पूरे हो जाए, रहेंगे एक दूजे के टच में चाहे जहां भी हम जाए। जिसने देखे हैं जो भी सपने वो सपने पूरे हो जाए, रहेंगे एक दूजे के टच में चाहे जहां भी हम जाए। भूलेंगे ना वो झगड़ना, एग्जाम में साथ पढ़ना, नींद आए तो कॉफी बनाना, कॉलर में पर्ची छुपाना, छुपके वो सुट्टा लगाना, गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाना। कैसे भूलेंगे ये सब, आ गई। आज तक तूने जो कुछ किया इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि तूने मेरे साथ किया था, मगर आज तूने फेद में हाथ उठा के सारी हदें बाहर कर दी। खतरनाक है, कभी भी हालात और खराब हो सकते हैं। मैं कुछ दवाइयां शुरू करता हूं, अगर 24 घंटों में रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन के बिना और कोई रास्ता नहीं।
रोहन, रोहन, डॉक्टर, डॉक्टर, जाएं क्या? हम गैर हैं बेटा, हमारी रजामंदी में ही तुम्हारी भलाई है। एक कुंवारी लड़की का बिना शादी किए किसी गैर लड़के के साथ रहना हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बच्चे नहीं रहे, बाले हो गए हैं। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप की नजर में तो बच्चे ही रहते हैं। यही कल और आज की सोच में फर्क है माँ। माँ बाप बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझते। तर्क और जिद करने से गलत सही नहीं बन जाता। जिद तो आप कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ प्यार किया है। तुम यहाँ बैठो, I'll get something for you, okay? क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुमसे इतना प्यार करता हूँ फेद कि बताने बैठूं तो अल्फाज कम पड़ जाए। इतना प्यार करता हूँ कि सोचने बैठूं तो एक उम्र कम पड़ जाए। इतना प्यार करता हूँ कि हर धड़कन तुम्हारे बदन की खुशबू से चले। इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे बिछड़ने के नाम पे जान निकलने लगे। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें पाने के बाद जिंदगी में और कुछ पाने की ख्वाहिश ना रहे। इतना प्यार करता हूँ तुमसे फेद कि तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। I love you, Rohan. I love you too. तुझे पाया तो लगा सब कुछ मुझे मिल गया, जाने कैसे कहां कब दिल तेरा हो गया। आसान हो या मुश्किल हो चाहे जैसा भी ये सफर हो, आसान हो या मुश्किल हो चाहे जैसा भी ये सफर हो, मिलके चलेंगे सदा हम सफर, तुमसे वादा रहा। तुझे पाया तो लगा सब कुछ मुझे मिल गया। राह में अक्सर ही ऐसे मोड़ आते हैं, अपने ही हमसे जहाँ मुँह मोड़ जाते हैं। अजनबी उन राहों में ऐसे भी आते हैं, हम सफर बन हर कदम जो चलते जाते हैं। वो हम सफर मिल गया, वो हम सफर मिल गया। तुझे पाया तो लगा सब कुछ मुझे मिल गया। इस जहां से कहीं दूर घर बसाएंगे, चांद तारों से हम उसको सजाएंगे, खुशियों के बादल जहां हमको भिगाएंगे, गम जहां एक पल भी हमको छू न पाएंगे। आ उस जहां में चलें
चले उस जहां में चले, तुझे पाया तो लगा सब कुछ मुझे मिल गया। फेथ, क्या हो रहा है तुम्हें? कुछ तो बोलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चक्कर सा आ रहा है। फेथ, फेथ, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं होगा फेथ, कुछ नहीं होगा। We need to operate her as soon as possible. Please get the MRI and necessary blood test done immediately. What? Are you sure? यस सर, मैं भी चौकी थी इसलिए एडवांस टेस्ट किए एंड ऑल द रिपोर्ट्स आर कंफर्म्ड एचआईवी पॉजिटिव। ओह नो, रोहन को बुलाओ। हेलो सर। बैठो रोहन। थैंक्स। तुम ये दवाइयां ले आओ। सर क्या हुआ है फेथ को? कुछ खास नहीं, थोड़ी कमजोरी है। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। फिकर की कोई बात नहीं, उन्हें बस 5-6 रोज कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। यस डॉक्टर, आपकी बेटी फेथ के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। आप मेरे क्लिनिक आ जाइए। ठीक है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। क्या बात है डॉक्टर साहब, फेथ को क्या प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी मिस्टर मेहरा, फेथ एचआईवी पॉजिटिव है। व्हाट? लेकिन फेथ एचआईवी पॉजिटिव कैसे हो सकती है? आई डोंट नो मिस्टर मेहरा। क्या फेथ इस बारे में सब कुछ जानती है? नो मिस्टर मेहरा। रुक जाइए सर। मारो मिस्टर मल्होत्रा, मारो, आ रहा हूं मिस्टर मल्होत्रा। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर मेहरा? बदतमीजी नहीं, तुम्हारे घमंड का जवाब देने आया हूं मैं। आखिर अपनी औकात दिखाई दी ना। छोटे लोग, छोटी सोच। तुम्हें तुम्हारी दौलत, रुतबे और खानदान पर बहुत नाज है ना, उसी को तोड़ने आया हूं। क्या बकते हो मेरा? अपनी इस गंदी जुबान को लगाम दो। मेरी तो जुबान ही गंदी है, तुम्हारा तो खून भी गंदा है मल्होत्रा। जस्ट शट अप, यू शट अप राजीव मल्होत्रा। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को एचआईवी से इन्फेक्ट किया है। जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। जवाब तो एम्बेसडर। मेरी एक बात याद रखना मल्होत्रा, आज के बाद सोसाइटी में तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। यह गुनाह तुम्हारी शान और शौकत को खत करके रख देगा। नहीं मेरा साहब, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
रोहन ऐसा लड़का नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, क्या बात है सर, आपने क्यों बुलाया मुझे? मेरा साथ जिंदगी से खेला है ये, मतलब में मौत दी है, मौत। ये क्या कह रहे हैं आप? रोहन, मिस्टर मेहरा का कहना है कि फेथ HIV पॉजिटिव है। फेथ HIV? ये नहीं हो सकता सर। ये क्या है? सर फेथ मेरी जिंदगी है, आप तो पिता है ना उसके, और आपको यकीन नहीं है उस पर मुझे है। हम दोनों को जुदा करने के लिए आप उसकी पवित्रता पे इतना घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकते। सर मैंने फेथ को ब्लड डोनेट किया था, जिसकी रिपोर्ट आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर। इंस्पेक्टर मात्रे। हाँ इंस्पेक्टर। आपके पास रोहन की ब्लड रिपोर्ट है, क्या वो भी HIV पॉजिटिव है? नहीं, वो HIV नेगेटिव है। थैंक्स डॉक्टर। मिस्टर मेहरा, रोहन HIV पॉजिटिव नहीं है। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं जानता था कि मेरा खून कभी खराब नहीं हो सकता। रोहन, मुझे एक एक डिटेल चाहिए फेथ के जख्मी होने से अब तक। सर फेयरवेल पार्टी की एक एक डिटेल तो CCTV कैमरा पर मौजूद है। कैसा लगा? नाइस, थैंक यू सर। और मंगाऊं? नहीं नहीं सर, बस। एक्चुअली उस शाम हुआ क्या था? सर फेयरवेल पार्टी थी, फेथ अचानक से बेहोश हो गई, मैं उसे बचाने गया और इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। ओ। पिटने दे इस साले को, अपना काम कर। नाडिक साहेब, मी खरा मराठा, कामासाठी मी माझे शीर देऊ शकतो, पण हा खोटा काम करणार नाही। Ah!
साथ पढ़ने वाली एक लड़की को HIV पॉजिटिव ब्लड इंजेक्ट किया था और आज उस लड़की को एड्स हो गया है। आरोपी का नाम विजय महाड़िक है जो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। मिस्टर मेहरा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन आपके बेटी के हालात में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या 6 महीने में ही HIV वायरस इतना फैल जाता है कि इंसान की जान पर बना है? जिस पेशेंट का ब्लड इसे इंजेक्ट किया गया है वो ब्लड 13 साल पुराने एक ऐसे पेशेंट का था जिसे मरने के तुरंत पहले मेडिकल लैब में रिसर्च के लिए दिया गया था। हाय रोहन, यहाँ मेरे पास बैठो। फेथ, अब तुम भी ये मत कहना कि मैं ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम, एक जरा सी कमजोरी ही तो है। क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो रोहन? मुझे पता है मुझे क्या हुआ है, अब मैं नहीं बचूंगी। कौन कहता है? तुम एकदम ना झूठ बोलोगे रोहन। रोहन इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारी आंखों में सिर्फ प्यार अच्छा लगता है, झूठ नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मुझे कुछ नहीं हुआ। रोहन, तुम्हारा प्यार तो मैं मरकर भी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा प्यार किसी को एक पल के लिए भी मिल जाए तो उसे भला और क्या चाहिए। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं है रोहन, बस दुख है तो इस बात का कि तुम्हारी दुल्हन ना बन सके। नहीं फेथ, तुम दुल्हन बनोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे दिल पे बोझ नहीं रहने दूंगा। रोहन, बेटा तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अंकल, शायद हमारे प्यार का यही अंजाम लिखा है। मुझे एक मौका दीजिए फेथ की ख्वाहिश पूरी करने का, जिंदगी के बाकी लम्हों में फिर जिंदगी भरने का। तेरे बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ठीक से काम कर कामचोर, आ की कर रही है? अरे तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? तेरी सुहागरात है क्या? आज तुम्हें रोहन के नाड़े के सारे गांठ खोल दूंगा। तुम लोग सेज एकदम खुशबूदार सजा दो। नेक्स्ट आपकी गांठें कब खुलेंगी? ये तो दिलनाज दूध वाले से पूछो यार, मेरी नाड़ों की गांठ कब खुलेगी?
हिम्मत आ गई है। ला, 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 ला। फेथ, तुम दुल्हन बनोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे दिल पे बोझ नहीं रहने दूंगा। आइए मल्होत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए आइए, आओ बेटा। सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम सिंदूरम शोभनम राक्षसम सौभाग्यम प्रियवर्धनम। अब आप दोनों खेरों के लिए खड़े बेटा। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुमसे इतना प्यार करता हूँ फेथ कि बताने बैठूँ तो अल्फाज कम पड़ जाए। इतना प्यार करता हूँ कि सोचने बैठूँ तो एक उम्र कम पड़ जाए। इतना प्यार करता हूँ कि दिल की हर धड़कन तुम्हारे बदन की खुशबू से चले। इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे बिछड़ने के नाम पर जान निकलने लगे। इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें पाने के बाद जिंदगी में और कुछ पाने की ख्वाहिश ना रहे। इतना प्यार करता हूँ तुमसे फेथ कि तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। I love you, Rohan. I love you too. फेथ? Rohan. फेथ? अरे फेथ क्या हुआ? फेथ बेटा, फेथ कोई कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। फेथ नहीं रोहन, अब और नहीं, इतना प्यार भी मत करो मुझसे कि चैन से मर भी ना पाओ। फेथ तुम्हें कुछ नहीं होगा। फेथ तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी, बना दो आखिरी फेरा बाकी और मेरी सांस भी कहीं टूट ना जाए। हर सांस है कोई सजा, पलकें झपकना है खता। हर सांस है कोई सजा, पलकें झपकना है खता। लगता है जैसे के मेरे अब जिस्म जहां से है जुदा। तेरे बिना चैनो सुकून, तेरे बिना चैनो सुकून, एक पल कहीं आए कभी। फेथ दीदी, Thank you.
मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं तेरे बगैर जिंदगी, मुमकिन नहीं तेरे बगैर जिंदगी, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। इस जहां से कहीं दूर घर बसाएंगे, चांद तारों से हम उसको सजाएंगे, खुशियों के बादल जहां हमको भिगाएंगे, गम जहां एक पल भी हमको छू न पाएंगे। उस जहां में चले